हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज हम लोग बात करने वाले इम्पैक्ट कॉस्ट के बारे में। एक्चुअली इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत सिंपल कंसेप्ट है और ये बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, बट जिनको ये नहीं पता और इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे या जानते नहीं भी होंगे, तो उनके लिए रिफ्रेशर जैसा हो जाएगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो NSE BSE के वेबसाइट पे अपलोडेड है, एजुकेटिव काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है। तो उसमें कुछ इम्पैक्ट कॉस्ट के बारे में बेसिक डिटेल्स दिए एग्जांपल के साथ, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा और मेरी अंडरस्टैंडिंग में आपके साथ शेयर करूँगा। प्लीज़ डिस्क्लेमर रेफ़र कीजिए इस वीडियो के नीचे जो है बिफोर कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस वीडियो पे बेस्ड। ओके, तो इम्पैक्ट कॉस्ट बेसिकली होता क्या है, तो ये एक चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में ये जो है बाइंग साइड है और राइट साइड में जो है सेलिंग कोट्स दिए हुए हैं। तो 1000 की क्वांटिटी कोई शेयर बाय करना चाहता है और वो चाहता है कि 3.5 रुपये के शेयर प्राइस पे वो बाय करना चाहता है, और सेलर जो है वो 2000 क्वांटिटी सेल करना चाहता है और वो सेल करना चाहता है 4 रुपये के प्राइस पे। तो अभी जब तक ये दोनों प्राइस एक दूसरे से मैच नहीं होते, एक तो सेलर को 3.5 रुपये के लेवल पे नीचे आना पड़ेगा सेल करने के लिए, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको कम करना पड़ेगा, या तो बायर को ज़्यादा पे करना पड़ेगा 4 रुपये पे शेयर को ख़रीदने के लिए। अदरवाइज़ जब तक ये जो दो कोट्स हैं मैच नहीं होते, तब तक ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो दिन भर ऐसा जो डिफरेंस चलते रहता है, इस डिफरेंस को बिड और आस्क स्प्रेड कहा जाता है। एक्चुअली ये इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं है, इसको बिड और आस्क स्प्रेड कहा जाता है। इम्पैक्ट कॉस्ट एक सेपरेट डेफिनेशन करके आता है। तो ये जो बिड और आस्क स्प्रेड है, मतलब ये जो बिडिंग प्राइस है और ये जो ये आस्किंग प्राइस है जो बाइंग साइड है और ये जो बिडिंग प्राइस है सेलिंग वाली, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बिड आस्क स्प्रेड कहा जाता है, जिसे इम्पैक्ट कॉस्ट के लिए कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि लिक्विडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट्स, कोई भी स्टॉक मार्केट की जो लिक्विडिटी है, मतलब उस मार्केट में कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, या फिर एक हायर पॉइंट पे कितने लोग शेयर को सेल करना चाहते हैं या लोअर पॉइंट पे कितने लोग उसको बाय करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो जो पॉइंट्स आते हैं वहाँ पे लिक्विडिटी और थ्रू आउट द डे ऑल्सो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में ट्रेड करने के लिए प्रेजेंटली और राइट नाउ इंस्टेंट पे, प्रेजेंट टेंस में। तो उसके वजह से लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर ब्रोकरेज रहता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस रहते हैं, डिपॉजिटरी चार्जेस रहते हैं। अगर आप उसको ये करना चाहते हैं और डिलीवरी लेना चाहते हैं शेयर्स की, तो ऐसे अलग अलग चार्जेस होते हैं, टैक्सेस ये वो सब होते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस एक दूसरा कॉस्ट भी होता है, वो होता है इम्पैक्ट कॉस्ट। तो ये जो डिफरेंस होता है कि जब भी बायर को कोई शेयर बाय करना है और वो 3.5 रुपये पे अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो उसको प्राइस बढ़ा के वो बाय करना पड़ता है। तो वो जो डिफरेंस है 4 रुपये और 3.5 रुपये के बीच में 0.5 रुपीज़ का, उसे बिड और आस्क स्प्रेड कहा जाता है। और ये अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे और किसी भी क्वांटिटी पे गिना जाता है तब इसको इम्पैक्ट कॉस्ट करके कंसिडर किया जाता है। तो किसी भी मार्केट में, एक आइडियल मार्केट में ऐसा माना जाता है कि ये जो बाइंग प्राइस है 3.5 रुपये का और सेलिंग प्राइस, इसके अंदर जितना कम से कम डिस्टेंस हो, मतलब ये डिस्टेंस दिखने में बहुत कम है, मतलब 0.5 कोई बड़ी बात नहीं, मगर अगर इसको परसेंटेज टर्म्स में आप देखेंगे तो 7-8% तक ये चला जाएगा। ओके, तो उसके वजह से जब भी कोई लार्ज क्वांटिटी में शेयर बाय कर रहा है और अगर उसको अवेलेबल नहीं है उस प्राइस के आसपास 3.55 या फिर 3.60 या फिर 3.7, ऐसे ये रेंज में अगर अवेलेबल नहीं है, तो उसके ऊपर वो जो भी देता है उसको इम्पैक्ट कॉस्ट कहा जाता है। वो एडिशनल टू बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं, बाकी जो चार्जेस होते हैं उसके ये होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया कि अगर आप 1000 क्वांटिटी 3.5 रुपये पे खरीदते हैं, दूसरी 1000 की क्वांटिटी 3.4 रुपीज़ पे खरीदते हैं और तीसरी 2000 की क्वांटिटी 3.40 रुपीज़ पे खरीदते हैं, तो वो आइडियल प्राइस अगर 3.75 हम ये वाले ट्रांजैक्शन में पकड़ते हैं,
जो कि सेलर के साइड पे पकड़ा गया है, तो इसका इम्पैक्ट कॉस्ट लगभग 8.5% का है, जो कि बहुत ही बुरा है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदना चाहता है तो ये बिड और आस्क स्प्रेड के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत बैडली इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे इम्पैक्ट कॉस्ट का डेफिनेशन दिया गया है कि इम्पैक्ट कॉस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ गिवन स्टॉक फॉर अ स्पेसिफाइड प्री डिफाइंड ऑर्डर साइज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब सिंपली वही होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए जो ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट लगती है वो कम से कम होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ब्रोकरेज एंड वो फिक्स कॉस्ट छोड़कर जो भी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगती है बिड और आस्क स्प्रेड के वजह से जो ओरिजिनेट होती है वो कम से कम होनी चाहिए। उसे आइडियल मार्केट कहा जाता है। ओके, यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है कि अगर 100 100 100 शेयर्स के लिए गिना जाता है तो उसे बिड आस्क स्प्रेड करके कहा जाता है, और अगर किसी भी पॉइंट पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है और किसी भी क्वांटिटी में अगर उसको गिना जाता है तो उसको इम्पैक्ट कॉस्ट करके कंसिडर किया जाता है। तो इसके कुछ सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम जब हर रोज़ ट्रेडिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके जो ब्रोकर का टर्मिनल होता है उसमें यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बिड प्राइस होता है और यहाँ पे आस प्राइस होता है। तो ये जो बिड प्राइस है पुट के साइड में ऑप्शंस में दिखा रहा हूँ, ऑप्शंस में लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट कॉस्ट समझना बहुत आसान होता है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट कॉस्ट का इफेक्ट होता है या फिर इम्पैक्ट होता है वो ऑप्शंस में ही फील होता है, तो इसलिए मैं ऑप्शन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक्चुअली जो इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं वहाँ पर भी ये ऐसे ही इम्पैक्ट होता है, या फिर जो स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक होते हैं जहाँ पर लार्ज क्वान्टिटी में बायर सेलर नहीं होते, तो वहाँ पे सेम काइंड ऑफ सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे बिड प्राइस, ये क्लोजिंग डेटा है ऑप्शंस का निफ्टी का, तो बिड प्राइस एट द मनी पुट का 26.80 है और आस प्राइस है 27 रुपीज़। तो दोनों के बीच में ये 0.2 का डिफरेंस है जो कि लगभग 1% के करीब है, और जो आइडियल वैल्यूज़ कंसिडर किए जाते हैं वो 0.5 या फिर 0.6 या फिर जितना कम से कम हो सकता है ऐसे आइडियल वैल्यूज़ कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया है कि मैंने इवन 0.2 का डिफरेंस भी इसके अंदर बहुत वैल्यू इरोजन करता है। सेम एग्जांपल अगर हम FNO का एक इलिक्विड शेयर मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है अजंता फार्मा का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिड प्राइस पुट के लिए जो है वो 18.10 है और आस प्राइस जो है वो 23.90 है। तो अगर किसी को ये बाय करना है और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये दिखने में तो सिर्फ 10 15 रुपए का है, मगर ये अगर परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो एक लॉट के लिए 33% एक्स्ट्रा आपको इमीडिएटली वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए देने होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि एक माइंड में आता है कि ये एक्चुअली कॉस्ट ज़्यादा क्यों होता है या फिर ये कॉस्ट बढ़ क्यों जाता है। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि कोई लोग एंटिसिपेट करते हैं कि इसके अंदर अगर ये शेयर गिरने वाला होगा तो कोई भी सेलर रेडी नहीं होगा इसको कम दाम में बेचने के लिए, क्योंकि वो एंटिसिपेट करेगा कि अब ये गिरने ही वाला है, तो उसका वोलाटिलिटी उसके अंदर अकाउंट हो जाएगा और बाकी कंसिडरेशन आ जाएंगी कि अगर ये गिरने ही वाला है तो मुझे वो प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा कि इमीडिएटली गिरने ही वाला है। अगर कोई सेलर होगा तो वैसे तो सेलर हट जाते हैं कि अगर कन्फर्म न्यूज़ आ जाती है कि कोई शेयर गिरने वाला है, तो वहाँ पर सेलर्स कोई होता ही नहीं ऑप्शन का। तो इन केस अगर होता भी है और वो बियरिश है तो पुट सेलर में ये जो प्रीमियम है वो बढ़ जाता है और बिड आस प्राइस में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक पॉइंट है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप ऑप्शंस में ऑर्डर डालते हैं तो मार्केट ऑर्डर डालना बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि जो भी बिड आस स्प्रेड का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट कर सकता है। तो हमेशा पर्सनली तो मैं सोचता हूँ कि इसके अंदर लिमिट ऑर्डर या फिर ट्रिगर बेस्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर डालने चाहिए जो पर्टिकुलर प्राइस पे या फिर आपके एक्सपेक्टेशन पे एग्जीक्यूट होते हैं। ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी वगैरह यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा ये कि मोस्टली तो जो स्टॉक ऑप्शन है, इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन, उसमें तो मार्केट ऑर्डर मोस्टली कोई ब्रोकर ज़्यादा अलाउ नहीं करता क्योंकि इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है, मगर फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने जैसी है। तो
इट वॉज ऑल अबाउट इम्पैक्ट कॉस्ट और बिड आस्क स्प्रेड डिफरेंस. तो ये जितना कम होगा इम्पैक्ट कॉस्ट जितना कम होगा उतना मार्केट हेल्दी कहा जाता है और लिक्विड कहा जाता है. तो निफ्टी वर्ल्ड के टॉप 10 लिक्विड ऑप्शंस में आ गया है अभी मोस्ट, मतलब कुछ सालों पहले से, ज़्यादा भी नहीं हुआ उसको समय, कुछ साल ही हुए हैं कि वो टॉप 10 लिक्विड स्टॉक्स में आया. तो ये लिक्विडिटी जो कंसर्न है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई बड़े सेलर्स आते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे FIIs हैं, जो बड़े बड़े सेलर्स और बायर ब्लॉक डील्स वगैरह एग्जीक्यूट होते हैं, तब उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिक्विडिटी चाहिए होती है मार्केट में. एक 100 रुपीज़ पे प्राइस पे चल रहा है और अगर उनको 99 पे बाय करके क्लोज करना है डील, तो 99, 98, 100 इसके आसपास ही इतना वॉल्यूम होना चाहिए होता है कि उसके आसपास के रेंज में एवरेज प्राइस पे वो ट्रांजैक्शन हो जाए और वो प्रॉफिटेबल हो. अदरवाइज लॉन्ग टर्म में ये मार्केट के लिए इम्पैक्ट कर सकता है ओवरऑल क्रेडिबिलिटी के लिए और फंक्शनिंग के लिए. तो दिस वॉज ऑल अबाउट इम्पैक्ट कॉस्ट. इफ़ यू नो एनीथिंग एंड इफ अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या फिर मुझे करेक्शन की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के दीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग शेयर मार्केट फ्रेंड.